So now coming to the next question, question number 8 says what are the components of blood? So now they are asking blood ke kya components hote hain, ye humne notes mein discuss kiya tha, let's discuss it again. The main components of blood are, sabse pehle mark karte hain red blood cells ki. So red blood cells are the most abundant cells in the body. Abundant ka matlab hota hai, maine aapko pehle bhi bataya tha, means ki bahut zyada quantity mein, bahut zyada amount mein hamari body mein red blood cells hote hain. Then these cells contain a red pigment called hemoglobin. So in cells ke andar hemoglobin hota hai. It is the hemoglobin which carries oxygen and transport it to all parts of the body. So kya karta hai hemoglobin, kya karta hai, oxygen ko carry karta hai and transport karta hai sare parts of body mein. Then next humne baat kari hai white blood cells. Pehle red blood cells hai, then we are going to talk about white blood cells. Ab white blood cells kya karte hain, these cells can change their shape. एक तो ये सेल्स अपनी शेप चेंज कर सकते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है इसका, फंक्शन कह सकते हो, इट हेल्प्स बॉडी इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस. सो डिजीजेस जैसे हमें कोई भी अगर छोटी भी कोई बीमारी होती है, कोल्ड होता है, कफ होता है, कोई भी छोटी मोटी डिजीज भी आपको, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स ही है जो उससे उन जर्म्स से फाइट करते हैं. Thus they constitute the immune system of the body. So therefore immune system, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट. देन द नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स के बारे में हमने अभी क्वेश्चंस भी काफी आए थे और हमने नोट्स में भी डिस्कस किया था. दे हेल्प इन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन. ब्लड के जो क्लॉटिंग होती है उसकी है, उसमें अगर आपके प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती. तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर कोई इंजरी होती है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो एक्सेस लॉस हो सकता है ब्लड को. And thus prevents excessive bleeding from wound. So हमारी जो इंजरी या wounds है उसमें से excessive blood body में blood loss नहीं होने देते, ठीक है. अब इन तीन component के अलावा एक component और है, that is plasma. So अब हम उसकी बात करेंगे. So our last point is plasma. All the blood cells are present in plasma. जितने भी हमारे blood cells होते हैं वो सारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, और उसमें डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. अगर आपको ये पता होना चाहिए, नहीं याद रहते तो आप सिंपली देख सकते हो, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. जो हमारी बॉडी का फ्लूइड पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है. अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब हमारी बॉडी के हर पार्ट में ब्लड होता है, सो उसकी क्या नीड है. सो ब्लड इज नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. लेट्स सी द फंक्शंस डायरेक्टली. फर्स्ट है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम इनहेल अपने नॉस्ट्रल से करते हैं. अब वो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा है वो सारे पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगा, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ओके. नेक्स्ट है, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट बैक टू द लंग्स सो दैट इट कैन बी एक्सहेल. और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन सब पार्ट्स तक लेके जाते हैं, सब पार्ट से जो एक कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बनता है उसको वापस लंग्स में भी लेके आता है, सो दैट हम उसे एक्सहेल कर सकते हैं. बिकॉज यू नो इनहेलेशन के टाइम हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एक्सहेल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, सो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी लंग्स तक लाने का काम ब्लड करता है, ओके. देन इट ट्रांसमिट्स हीट, दस रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर. ट्रांसमिट्स का मतलब होता है टू सेंड आउट. तो ब्लड की वजह से ही बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर है या हीट वो जब छोड़ता है या पास ऑन कर देता है, उसी की वजह से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. अगर ऐसा ब्लड की कमी होगी या कुछ होगा तो हमारी बॉडी में ये सब चेंजेस आपको ऑब्जर्व होने स्टार्ट हो जाएंगे. तभी आपने देखा होगा डॉक्टर्स बहुत बार जब भी किसी को कोई बीमारी होती है सो बहुत बार आते हैं कि पेशेंट का ब्लड कम है, इसको ग्लूकोज चढ़ाएंगे या ब्लड चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि. सो उन सब केसेस में प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए बॉडी में ब्लड होना इज वेरी नेसेसरी. देन लास्ट पॉइंट इज, इट ऑल्सो फाइट्स ऑफ डिजीजेस एंड इन्फेक्शन. सो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ब्लड नहीं होगा तो हम डिजीजेस और इन्फेक्शन से नहीं फाइट कर पाएंगे, ओके. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया एंड 9. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.